हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बिल्कुल इजी मिठाई। बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है कम समय में और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। बिल्कुल इजी है इसे बनाना। ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें और अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हमने ये एक कप चावल का आटा लिया है। चावल का आटा हमें प्रॉपर एक कप लेना है। हमने इसे बिल्कुल दबा के नहीं भरा है कप में चावल के आटे को, और ना बिल्कुल छलका के भरा है। तो इस तरीके से प्रॉपर एक कप होना चाहिए। और इसके अगर वेट के हिसाब से देखिए तो ये हमारा 100 ग्राम चावल का आटा है। तो सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में 1 चम्मच घी लेंगे। इसमें हम 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। तो अब हमने 1 कप चावल का आटा हम इसमें यूज करेंगे, तो इसमें दूध हमारा 1/4 कप होगा। 1/2 कप इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 4 इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इलायची का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है, लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो दूध में हम एक उबाल आने देंगे, इससे हमारी जो चीनी है वो भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तब तक तो देखिए दूध में उबाल आ चुका है और हमने इसे उबाल आते वक्त चलाते रहे, जिससे कि जो चीनी है वो भी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई इसमें। तो गैस की फ्लेम को अब हम लो पे कर देंगे और जो हमारा आटा है चावल का वो हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करते हुए इसे इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा आटा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसे मिक्स करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी गुठलियां या लम्स नहीं लेने चाहिए, अच्छे से मिक्स करना है इसे हमें। और ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को लो पे करके ही हमें चावल का आटा ऐड करना है इसमें। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, दूध इसमें एकदम अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है। देख सकते हैं एकदम डो की तरह तैयार हो गया है ये। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर 2 मिनट इस तरीके से रखेंगे, जिससे कि जो ये हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए मिक्सचर को हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अभी हमने 2 चम्मच सूखे नारियल का बुरादा लिया है, यानी कि सूखा नारियल पिसा हुआ। 2 चम्मच तेल, सफेद तेल लिए है ये हमने। तो इसे हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसे मसलेंगे। और ये जो मिक्सचर है हमारा वो हल्का गर्म है, हल्का गर्म होगा मिक्सचर तभी हमें इसे करना है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और डो की तरह तैयार कर लिया है। और देखिए आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, कट करके डाल सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो अब हम मिक्सचर को लेंगे, इस तरीके से इसे गोल कर लेंगे, फ्लैट कर देंगे इस तरीके से दबा के, फॉक की हेल्प से इस तरीके से हम इसमें इंप्रेशन देंगे। तो इसी तरीके से सारे हमें रेडी करने हैं। आप अपने मनपसंद से कोई से भी डिजाइन इसमें दे सकते हैं। तो ये हमने गैस पर कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा मीडियम है, बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है। तो एक एक करके इनको इसमें हम डालेंगे। तो इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे, इसके बाद इसे पलटेंगे और इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो थोड़ा फ्राई होने के बाद इसे हम पलटेंगे। तो करीबन 1 मिनट हमने इसे फ्राई किया है लो मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद इसे पलटेंगे। और ध्यान रखें कि थोड़ा फ्राई होने के बाद ही इसे पलटे। और इसे हम पलटते हुए ही फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक। तो देखिए ये हमारा गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम एक करके इस तरीके से ऑयल से बाहर निकालेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे चावल के आटे की कुकीज भी कह सकते हैं और बहुत ही ईजी है इसे बनाना, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती इसमें ज्यादा। तो इसी तरीके से बाकी जो हमारे है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमारे
हमारे बहुत ही टेस्टी चावल के आटे की मिठाई सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे चावल के आटे की मिठाई भी कह सकते हैं या फिर कुकीज़ भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बिल्कुल आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी है, तो ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।